हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 10th मैथ्स का सॉल्यूशन शुरू किया हुआ है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, अराउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइंस एट द रेट ऑफ 3.50 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें बोला है कि कोई टेबल कवर है जिसके ऊपर 6 इक्वल साइज के डिजाइन बने हुए, ऐसे जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया। और हमें बोला कि जो इसका रेडियस है वो 28 सेंटीमीटर है। हमें ये पता करना है कि डिजाइन बनाने में कितना खर्चा होगा। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिजाइन करने में 3.5 रुपए लगते हैं, तो पहले तो हमें यही पता करना पड़ेगा कि जो डिजाइन है वो कितने एरिया में है। जब हमें एरिया पता लग जाएगा तो हम उसे 8 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये निकालना है कि जो ये एरियाज हैं, 6 डिजाइन वाले जो पार्ट्स हैं, इनका टोटल एरिया कितना होगा। उसके लिए बेसिकली अगर हम देखें तो ये है क्या, ये एरिया ऑफ सेगमेंट है। हमें इसका एरिया चाहिए नीचे वाले का, तो ये बेसिकली एरिया ऑफ सेगमेंट है। एरिया ऑफ सेगमेंट हम कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट हम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर पूरा निकाल लें और फिर उसमें से इस ऊपर वाले ट्रायंगल को माइनस कर दें तो हमारे पास ये एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाता होता। तो हम वही यहाँ पे भी करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, उसमें से ऊपर वाली ये वाली ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये नीचे वाला एरिया बच जाएगा। एक का निकालेंगे, बाकी सबका भी सेम ही होगा। मीन्स की एक को निकाल के उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल एरिया आएगा। अब पता करने में ये करना है कि हमें ये इस ट्रायंगल का जो एरिया वो कैसे पता करें। अब ये सेंटर से निकली और यहां से निकली तो ये भी रेडियस होगा 28 का और ये भी रेडियस होगा 28 का। और अगर हम देखें कि ये डिजाइन इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो अगर हम सारे डिजाइन को मिला दें और काउंट करो कि इस सेंटर पे कितने लाइंस कट कर दिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मींस कि ये डिजाइन जो है पूरे सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हमें बोला है कि डिजाइंस जो है वो इक्वल साइज के हैं। तो इसीलिए ये पूरे डिजाइंस जो है पूरे सर्कल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इस पूरे सर्कल का एंगल कितना है, 360 का। तो हम एक सेक्टर का एंगल निकाल सकते हैं, मीन्स की एक डिजाइन का इतना एंगल हम निकाल सकते हैं, या फिर इतना ही सारे बराबर ही होंगे, सारे एंगल बराबर होंगे क्योंकि सारे एरिया ऑफ डिजाइन जो है वो इक्वल हैं। तो हम क्या करते हैं, एरिया एंगल ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर, इसे ओ ए बी सी मान लेते हैं। ओ ए बी सी, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास टोटल एंगल कितना है, 360 डिग्री। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसे 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 60 डिग्री। अब हमें ध्यान से देखना है, ये दोनों 28 28, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे। अगर ये एक्स है तो वो भी एक्स होगा। और अब हमें पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल ओ कितना आ गया, एंगल ओ आ गया 60 डिग्री। एंड एंगल ए इक्वल टू है एंगल बी के, ये क्योंकि अपोजिट साइड्स के सामने वाले एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वो क्या कहती है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री के। ये दोनों बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल ओ की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई, एंगल ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री। 60 को उधर जाकर माइनस करेंगे 120 आ जाएगा, 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। मीन्स की ये एंगल भी 60 डिग्री आ गया और ये एंगल भी 60 डिग्री आ गया। अब तीनों एंगल्स बराबर है, तीनों एंगल्स बराबर है तो कौन सा ट्रायंगल होता है, तो ये
OAB कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। सो ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हमें पता लग गया हमें कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया हमें पता है कि वो कितना होता है, रूट 3/4 इंटू ए का स्क्वायर। तो अब हम निकालना शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन। हमें टोटल डिजाइन पता करना है एरिया का, तो डायरेक्ट हम टोटल ही निकालेंगे, टोटल एरिया ऑफ होल डिजाइन। वो कितना होगा, वो 6 × 1 का, 1 का निकाल के उसे 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का कितना होगा पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे पहले। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर का स्क्वायर, ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें से माइनस क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 × a² जहां पे हम आर ही रख लेते हैं क्योंकि साइड और रेडियस दोनों बराबर है। तो ये हो गया हमारे पास सारी वैल्यूज पुट करके, रेडियस की वैल्यू पुट कर दी अब हमने। अब क्या करते हैं, 6 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 इधर अंदर यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और 6 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये काटेंगे ये 6, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 × 4 = 28। ये हो गया हमारे पास, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा 88 × 28। ये सारा हो गया सॉल्व। अब माइनस इधर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 × 4 = 14, इन सबको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा योगा 1999.2। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2464 − 1999.2, माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 464.8 cm². ये आ गया हमारे पास एरिया सभी डिजाइन्स का, जितना भी डिजाइन था उसका टोटल एरिया हमारे पास आ गया इतना। अब हमें कोस्ट फाइंड आउट करना है, कोस्ट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल है, बस अभी से 3.50 के साथ मल्टीप्लाई करना है, टोटल कोस्ट आ जाएगा फिर हमारे पास। टोटल कोस्ट क्या आ जाएगा, टोटल कोस्ट विल बी इक्वल टू होगा हमारे पास जितना एरिया कितना है, 3646.8 × 3.50, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1626.80 रुपीज। इतना खर्चा होगा अगर हमें इस टेबल पे डिजाइन जो है वो बनवाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।